हेलो दोस्तों, तो चलिए वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो उषा का मशीन है, और इसमें दिक्कत यह आ रही है कि जो सुई है वो कैरियर में सट जा रहा है, तो इसी वजह से धागा कट रहा है। तो इसमें हम लोग बताने वाले हैं कि इसे ठीक कैसे करेंगे। तो इसमें तीन फॉल्ट होते हैं। पहला फॉल्ट, इस सुई देख लेना होगा, जो सुई कहीं टेढ़ा नहीं ना। देखिए यहाँ सट जा रहा है, पहले ये देख लीजिए, तो देखिए यहाँ कैरियर देख में सट सकते हैं गया, आप लोग, ठीक है, यहाँ पूरा कैरियर में सट जा रहा है सुई, ज़्यादा सा गैप नहीं, इसी कारण धागा कट जरा रहा सा है। भी गैप नहीं है, इधर से देख सकते हो सट जा रहा, बिल्कुल सट जा रहा है सुई। तो पहला फॉल्ट ये है कि सुई को देख लेना है ना, हाँ, पहले सुई को देख लेना है, सुई टेढ़ा है या सीधा है। तो सुई तो टेढ़ा ही लग रहा है, नहीं, टेढ़ा नहीं है, सुई सीधा है। सुई सीधा है, हाँ, सुई सीधा है, सुई रड भी सीधा है। सुई रॉड भी सीधा है। हाँ, दोनों सीधा है। ये तो आपका कैरियर को घिसना होगा। तीसरा फॉल्ट में आता है कैरियर में, ठीक है, जो कैरियर को घिसना पड़ेगा। चलिए ठीक करते हैं इस मशीन को। यहाँ घिसना पड़ेगा, देख लीजिए, कहाँ घिसना पड़ेगा? यहाँ घिसना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर आपको घिसना पड़ेगा, जितना सट रहा है उतना ही जो है आपको घिसना पड़ेगा। हल्का गैप होना चाहिए। थोड़ा सा गैप होना चाहिए। चलिए देखिए, अब देखिए गैप है, गैप हो गया, घिस दिए हैं, गैप हो गया। आप लोग देख सकते हो, आप गैप बिल्कुल हो चुका है। अब इसमें धागा नहीं कटेगा, देखिए बहुत गैप है, तो गैप हो गया, अब बिल्कुल धागा नहीं कटेगा। गैप पिछला में गैप नहीं था, ठीक है, अब थोड़ा सा घिस देने से ही गैप हो चुका है। तो अब ये जो मशीन अब बिल्कुल अब ठीक हो चुकी है।